हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 से 6 फोन के बारे में, जो दोस्तों आपको 4K क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्डिंग करके देगा। और सही फोन का प्राइस आपको 15,000 से लेकर 30,000 के बीच में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है दोस्तों। साथ ही वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपका बजट 15,000 है और आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वाला, तो आप सैमसंग गैलेक्सी F23 के साथ जा सकते हैं। ये एक 5G फ़ोन है, साथ ही इसमें आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। रियर साइड में 50 MP का प्राइमरी सेंसर होगा, 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 MP का आपको मैक्रो सेंसर कैमरा देखने को मिलता है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके देता है, 30 FPS पर वीडियो आपको बढ़िया क्वालिटी का देखने को मिल जाएगा। साथ ही फोटोज भी आपको अच्छा इसमें निकाल कर देता है। साथ ही सेल्फी शूटर 8 MP का देखने को मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी आपको इस फोन में देखने को मिल जाती है। 25W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन चार्जर आपको डब्बा में देखने को नहीं मिलता है। स्नैपड्रैगन 750Z देखने को मिलता है, तो परफॉर्मेंस भी आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। एक बढ़िया फोन ये है दोस्तों। साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आपको ये फोन देखने को मिलता है। 120Hz का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन के साथ आपको देखने को मिलता है। फोन से कोई शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरा आपको अच्छा देखने को मिलता है, डिस्प्ले आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, बस आपको चार्जर नहीं मिलेगा। बाकी आपको 15,000 के अंदर 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं 17,000 के अंदर मिलने वाले 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वाला फोन के बारे में। यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी A23 देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों एक 4G फोन देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन 680 देखने को मिलता है, नॉर्मल परफॉर्मेंस वाला फोन देखने को मिल जाता है। डेली और मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट रहने वाला है। साथ ही कैमरा के बारे में बात करें तो क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। 50 MP का प्राइमरी सेंसर, 5 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 MP का डेप्थ, 2 MP का मैक्रो सेंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4K वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड करके देता है। 8 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। फोटो और वीडियोस आपको कोई शिकायत नहीं रहने वाली है। 90Hz का आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो डिस्प्ले का क्वालिटी आपको थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिलता है 17,000 के अंदर वाले फोन में। साथ ही इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही बात करें यहाँ पर बैटरी के बारे में, तो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है दोस्तों, और 25W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। और एक बढ़िया फोन ये भी है, अगर आप इसके साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं। 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज सिर्फ और सिर्फ 17,325 रुपये में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप 20,000 से थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करेंगे तो आपको एक बेस्ट फोन देखने को मिलता है कैमरा के लिए, मोटोरोला Edge 35G। ये फोन दोस्तों स्नैपड्रैगन 778Z+ के साथ आता है, तो प्रोसेसर आपको बढ़िया देखने को मिलता है, गेमिंग के लिए भी बेस्ट रहने वाला है। साथ ही कैमरा के बारे में बात करें तो ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 MP का प्राइमरी सेंसर होगा, 50 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 MP का डेप्थ सेंसर के साथ आपको देखने को मिलता है। OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके देता है 30 FPS पर। साथ ही दोस्तों सेल्फी शूटर यहाँ पर आपको 32 MP का देखने को मिलता है, जो कि आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके देता है, बढ़िया फोटो और वीडियो निकाल कर देता है फ्रंट और बैक दोनों साइड से। 4020mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है इस फोन में। 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही डिस्प्ले आपको 144Hz का POLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आपको ये फोन देखने को मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 12 के साथ आता है और स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है, तो प्योर एंड्रॉइड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस फोन का प्राइस के बारे में बात करें तो 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज सिर्फ और सिर्फ 23,000 के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अगला फोन है हम लोग का Realme 9 Pro Plus 5G, जो कि दोस्तों आपको 25,000 के अंदर बेस्ट कैमरा वाला फोन देखने को मिलता है अभी तक। इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 920 देखने को मिलता है। कैमरा के बारे में बात करें तो ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें 50 MP का प्राइमरी सेंसर होगा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 MP का मैक्रो सेंसर कैमरा होगा। OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है, सोनी IMX766 सेंसर का यूज़ किया गया है, तो एक ज़बरदस्त फ्लैगशिप वाला आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। 4K वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड करके देगा। साथ ही 16 MP का सेल्फी शूटर आपको देखने को मिल जाता है। बात करें बैटरी के बारे में, तो बैटरी आपको 4500 mAh की देखने को मिलती है 60W का फास्ट चार्जिंग के साथ। आपको डिस्प्ले 90Hz का सुपर एमोलेड देखने को मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 12 और रियलमी UI आपको देखने को मिलता है इस फोन में। प्राइस के बारे में बात करें तो 25,000 के अंदर 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। दोस्तों, अगर बात करें हम लोग के अगले फोन के बारे में, तो अगला फोन है हम लोग का वीवो V25 5G, जो कि दोस्तों आपको 28,000 के अंदर 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है। MediaTek Dimensity 900 देखने को मिल जाता है इस फोन में। परफॉर्मेंस आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको एक सस्ता वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है। 28,000 खर्च करने पे आपको कम से कम एक दमदार प्रोसेसर मिलना चाहिए था, लेकिन वीवो अपने कैमरा के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको कैमरा से कोई कंप्रोमाइज करने का जरूरत नहीं है। 64 MP का प्राइमरी सेंसर होगा, 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 MP का मैक्रो सेंसर के साथ देखने को मिल जाता है।
50 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। दोनों साइड से आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके देगा 30 FPS पर। 1080p पे अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो 30 और 60 FPS दोनों पे आप कर पाएंगे। साथ ही इसमें आपको बैटरी 4500 mAh की देखने को मिलती है, 44 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, 90Hz का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ देखने को मिलता है। ये फोन एक बढ़िया फोन ये भी रहने वाला है कैमरा के लिए, परफॉर्मेंस आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है। अगर कैमरा के लिए फोन लेना चाहते हैं तो आप इस फोन को ले सकते हैं। तो आज के हमारे लास्ट और टॉप पर आता है इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा, जो कि दोस्तों आपको एक लेटेस्ट फोन देखने को मिलता है इन्फिनिक्स की तरफ से। 200 MP का आपको प्राइमरी सेंसर इस फोन में देखने को मिल जाएगा, साथ ही 13 MP और 2 MP का कैमरा देखने को मिलता है, OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो 4K वीडियो आपको 30 FPS पर रिकॉर्ड करके देता है, फोटो और वीडियो से कोई शिकायत नहीं आने वाली है, 32 MP का सेल्फी शूटर के साथ आपको देखने को मिलता है, साथ ही मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नॉर्मल परफॉर्मेंस देखने को मिलता है 30,000 के अंदर, परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर चिपसेट के साथ आना चाहिए था ये फोन, लेकिन आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 ही देखने को मिलता है। डिस्प्ले आपको काफ़ी सुंदर और बढ़िया देखने को मिलता है, 3D कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ, 4500 mAh की बैटरी और 180W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि फुल चार्ज करने में 15 मिनट का ही समय लेता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा दोस्तों, एक स्टाइलिश फोन है, अगर आप इसके साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं। 30,000 के अंदर 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। आज के सभी फोनों में से कौन सा फोन आपको ज़्यादा बेस्ट लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। साथ ही वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अच्छे में पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।